आइन की 18वीं तरमीम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं मुल्क बचाने के लिए आए हैं। ना समझ सियासी बोनों को सियासत का कुछ इल्म नहीं। ऐसे हथकंडे तो मुशर्रफ दौर में भी इस्तेमाल नहीं हुए। बिलावल ने तो पहले दिन कहा था कि वज़ीरे आज़म सेलेक्टेड है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का APC से खिताब, कहा बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ के साथ मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। मरियम नवाज कौम की बेटी करार। एटीथ अमेंडमेंट हमने एक दीवार बनाई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के गिर्द, ताकि कोई मैली आंख रखने वाला अंदर से या बाहर से पाकिस्तान को कमजोर न कर सके। मगर अफसोस ये जो न समझ है, जो साथी बोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के की सोच एक समझो के मेजर की सोच है और किसी की सोच नहीं है। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं, हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है। बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। 2006 में भी बीबी साहिबा ने सऊदी अरेबिया जाके मियां साहब के साथ एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था। मरियम बीबी भी यहाँ हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। वो हमारी बेटी हैं, मियां साहब की बेटी हैं, कौम की बेटी हैं।